है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए करवा चौथ मेकअप लाई हूँ। इसे न्यू मैरिड लड़कियाँ भी क्रिएट कर सकती हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने चेहरे पर प्राइमर लगा लिया है। आँखों का मेकअप करने के लिए आईलिड में कंसीलर लगा के इसे पाउडर से सेट कर लिया है। इसे सेट करके रहने देंगे, फिर आईब्रो को अच्छा सा शेप देंगे और इसे भी स्पूली की मदद से सेट कर लेंगे। फिर यहाँ मैंने मेबलिन का फाउंडेशन लिया है, और ये फाउंडेशन बहुत अच्छा कवरेज देता है। ये नॉर्मल स्किन और ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। नॉर्मल टू ऑयली स्किन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। इसे भी मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, ब्रश या ब्लेंडर किसी से भी आप ब्लेंड कर। अब एक लाइट कलर का कंसीलर लेंगे और इसे अपने हाइलाइटेड एरिया पर डिपॉजिट करेंगे, और उसे ब्रश की सहायता से आप लगाएं और इसे अच्छी तरह से गीले स्पंज से टैप टैप करते हुए उसी जगह पर ब्लेंड करें। उसे अच्छी तरह से ब्लेंड करें ताकि आपके चेहरे पर फैले ना, नहीं तो एक पूरा एक ही जैसा कवरेज देगा चेहरे पर, और वो फाउंडेशन को भी ढक देगा और पूरा चेहरा हाईलाइट कर देगा। इसीलिए जो जो हाइलाइटेड एरिया है वहीं पर अच्छी तरह से टैप टैप करते हुए उसे सेट कर ले। फिर यहाँ मैंने डार्क कलर का कंसीलर स्टिक लिया है, और उसे अपने चेहरे को उभारने के लिए अच्छा सा शेप देने के लिए अपने चिक बोन्स पे, गर्दन के नीचे लगा कर उसे भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब इसे कॉम्पैक्ट की मदद से सेट कर लेंगे। इसे मैंने यहाँ फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, बहुत ही अच्छा कवरेज देता है। इसे भी अच्छी तरह से पाउडर से सेट करेंगे। अब यहाँ आई मेकअप करने के लिए मैंने लाइट कलर का सेट लिया हुआ है। इसे अच्छी तरह से अपने आईलिड पर डिपॉजिट करेंगे और आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक ले जाकर अच्छी तरह से धीरे धीरे ब्लेंड करेंगे। अब इससे एक सेट और आगे जाएंगे, इससे थोड़ा सा डार्क सेट लेंगे और उसे भी अपने आईलिड पर डिपॉजिट करेंगे और उसे भी धीरे धीरे ब्लेंड करेंगे। फिर वैसे करते करते एक एक सेट ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा डार्क, और उसे सब सेट को डिपॉजिट करेंगे और उसे अच्छी तरह से डिपॉजिट करेंगे ताकि आपके आँखों के नीचे या ज़्यादा फैले नहीं, और इसे एक साफ ब्रश से, क्लीन ब्रश से पूरी सेट को अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। यहाँ मैंने आईलिड पर, आँखों के आईलिड पर ब्लैक कलर का जेल आईलाइनर डिपॉजिट किया और उसे अच्छी तरह से ब्लेंड किया हुआ है। यहाँ थोड़ा स्मोकी लुक देने की कोशिश की है, इसीलिए यहाँ मैंने ब्लैक जेल आईलाइनर का यूज़ किया है, और इसमें थोड़ा सा ब्राउन आई शैडो मिक्स करके अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। इसे अच्छी तरह से धीरे धीरे ब्लेंड करेंगे जब तक कि पूरी अच्छी तरह से मर्ज ना हो जाए। अब यहाँ वाटर लाइन पर मैंने काजल का यूज़ किया है, ये भी जेल आईलाइनर है, और इसे भी ब्राउन कलर की सेट लेकर उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके ब्लेंड करेंगे ताकि अलग अलग कलर ना दिखे। अब आँखों में आईलाइनर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा विंग ड्रॉ करेंगे ताकि आपकी आँखों को अच्छा सा शेप मिल सके। अब यहाँ मैंने एक्स्ट्रा पाउडर रिमूव कर दिया हुआ है जो भी चेहरे पर लगे हुए थे। यहाँ मैंने पिंक कलर का ब्लश अपने चिकबोन पर डिपॉजिट किया हुआ है, और इसे भी अच्छी तरह से ब्लेंड करते हुए चिकबोन से ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे, उसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और हल्का सा नोज़ के साइड से भी ब्लेंड करते हुए चिकबोन के ऊपर साइड में लेते हुए उसे अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। आईब्रो बोन को थोड़ा सा उभारने के लिए मैंने यहाँ हाइलाइटर से आईब्रो बोन को हाईलाइट किया है ताकि आपका आईब्रो अच्छा सा शेप दे सके। अब यहाँ मैंने चिक बोन पर हाइलाइटर यूज़ किया हुआ है, इसे भी हाईलाइट किया हुआ है। अब मस्करा का यूज़ करेंगे। आपके मेकअप के लिए, आपके आँखों के मेकअप के लिए मस्करा बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आँखों का मेकअप अधूरा है। अब यहाँ मैंने आई कॉर्नर पर भी हाईलाइट करने के लिए हाइलाइटर का यूज़ किया हुआ है। यहाँ मैंने साड़ी ज्वेलरी सब कैरी कर ली है। अब यहाँ लिप को अच्छा सा शेप देने के लिए लिपस्टिक का यूज़ करेंगे।
आपके पास जो भी लिपस्टिक अवेलेबल है आप उसे यूज़ कर सकती हैं। यहाँ मैंने थोड़ा लाइट कलर का लिपस्टिक लगाया था लेकिन लाइट की वजह से ऐसा शो कर रहा है। यहाँ मैंने बिंदी कैरी कर ली है और मेकअप को सेटिंग करने के लिए, मेकअप को सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे का यूज़ किया है। इसे भी थोड़ा स्पंज से टैप टैप करके मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए। तो ये रहा आज का मेरा मेकअप लुक। करवा चौथ का मेकअप आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ मैंने ग्रीन साड़ी और ग्रीन ज्वेलरी कैरी की हुई है, तो ये फेस्टिव सीज़न है इसीलिए मैंने थोड़ा सा डार्क स्मोकी आइस, अपनी आँखों को स्मोकी लुक दिया हुआ है। इस मेकअप लुक को आप दीपावली पर भी ट्राई कर सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ।